हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोग इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहे थे। सुनो, इकोलॉजिकल ऑर्डर को ही हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्की भी कहते हैं, ठीक है। हायरार्की का मतलब होता है चेन लाइक मैनर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म होती है, और ऑर्गेन के बारे में मैंने कहा था एक सिंगल इंडिविजुअल, किसी भी स्पीसीज का सिंगल इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो मैंने आपको ऑर्गेन का डेफिनेशन लिखा था ना, एनी मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज, एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का मेंबर, कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, आप एक ये भी कह सकते हो कि हर इंडिविजुअल किसी न किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। बोलो, ये बात सही है कि नहीं? मैं खुद खड़ा जाऊं तो मैं ह्यूमन स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको सामने खड़ा रख दू आप भी ह्यूमन स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं एक बनाना का ट्री मतलब बनाना का पेड़ ले आऊं तो वो एक बनाना स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो का ले आऊं तो मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर इंडिविजुअल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी किसी न किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा, ऑर्गेनिज्म होता है वो। हमने कहा था जब सेम स्पीसीज के मेंबर एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लग जाए तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ, यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, कंडीशन था सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। मैंने आपको पॉपुलेशन का मतलब समझाया था। फिर मैंने कहा था कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन सब आपस में रहने लगते हैं तो उनको कहते हैं कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी क्या है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एरिया, डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। या फिर इसी को आपने एक और डेफिनेशन दिया था अगर याद हो, क्या, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, याद है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। फिर मैंने कहा था इकोसिस्टम क्या होता है, वो पर्टिकुलर फिजिकल एरिया, वो जगह है, वो एरिया, वो जगह है या वो स्ट्रक्चर जहां पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, वो जगह है, वो एरिया ही क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इको सिस्टम। और मैंने कहा था हर जगह का एबायोटिक फैक्टर अलग अलग, इसीलिए वहां पे बायोटिक फैक्टर भी अलग अलग, इसीलिए एरिया अलग अलग, इसीलिए इको सिस्टम का नाम अलग अलग। याद करो, पॉन्ड इको सिस्टम, लैंड इको सिस्टम, फॉरेस्ट इको सिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कितने टाइप के इकोसिस्टम बताए थे, क्योंकि हर जगह एबायोटिक फैक्टर अलग अलग टाइप में है, उनके कंपोनेंट, उनके रेशियो अलग अलग है, ठीक है। नाउ मैंने कहा था कि जब कोई भी इकोसिस्टम लार्ज हो जाए, कितना, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया का, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया का क्या हो, एक सिंगल इकोसिस्टम हो, एक सिंगल इकोसिस्टम हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोम कहते हैं, याद आया। और फिर मैंने बायोस्फेयर के बारे में क्या बोला था, इस पूरी अर्थ को एक साथ, अर्थ को पूरी पूरी की पूरी अर्थ को हम एक साथ क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। तो कई सारी इकोसिस्टम, छोटे छोटे छोटे, उसमें कई सारे इकोसिस्टम भी हैं, बायोम भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अर्थ पे क्या क्या है, मेनी इकोसिस्टम है, प्लस मेनी बायोम्स हैं, कई सारी बायोम्स हैं, और अभी बताएंगे कि मेनी लैंडस्केप भी है। अब बताते हैं लैंडस्केप का कंसेप्ट। एक्चुअली मुझे आज लैंडस्केप ही बताना था, लेकिन इसको मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर वे में बताया, ठीक है। अब देखो, याद करो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लैंडस्केप बताना है तो इकोसिस्टम और बायोम के बीच में इस एरो के नीचे निकाल क्या बताओगे, ना इकोसिस्टम के बाद वाले, ना बायोम के पहले वाले एरो में, मतलब यहाँ पे बीच में मत घुसाना, क्योंकि ये पक्का है कि इकोसिस्टम के बाद होगा, लेकिन इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप होगा कि बायोम होगा, ये फिक्स नहीं है इकोलॉजिकल ऑर्डर में। अभी क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, लैंडस्केप, लैंडस्केप। चलो तो सबसे पहले मैं आपको लैंडस्केप और बायोम में अंतर ही बता देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आप गौर करो, मेरी बातों को गौर करो, वर्ड को गौर करो। मैंने लिखा है सिंगल इकोसिस्टम, लो नीचे में फिर से लिख देते हैं, सिंगल इकोसिस्टम है भैया, इकोसिस्टम कैसा है, सिंगल है, एक से अधिक इकोसिस्टम नहीं है। और यहां मैं लिख रहा हूं ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम। अब कल राष्ट्रीय क्वेश्चन की थी जब मैं बायोस्फेयर बता रहा था, सर
कई सारे इकोसिस्टम को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा था कुछ नहीं बोलोगे, सिंपल बोलोगे मेनी इकोसिस्टम। अब आज मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, आज मैंने फिर से लिखा ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम, बट ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम सराउंडेड बाय, सुनो वर्ड गौर से, सराउंडेड बाय एनी नेचुरल बाउंड्री, यानी कि आप जाके घेरा लगा रहे हो, दीवार खड़ा कर रहे हो, नहीं, एनी नेचुरल बाउंड्री। और बाउंड्री हमेशा क्या करता है, चीजों को सेपरेट करता है। सराउंडेड बाय एनी नेचुरल बाउंड्री कॉल्ड एज लैंडस्केप। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहा हूं, ये नेचुरल बाउंड्री खुद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, मे बी इकोसिस्टम। और ना डायग्राम से समझा देते हैं, चलो आ जाओ, ये खुद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। चलो एक डायग्राम से समझाते हैं, आ जाओ, मैं आपके सामने पहाड़ बना रहा हूँ, बनाऊ ये देखो, मैं आपके सामने पहाड़ बना रहा हूँ, ये साइड में लो मैंने पहाड़ बनाया, ठीक है, और उसके बीच में ये साइड में किनारे किनारे क्या पहाड़ है, और ये बीच का एरिया है, किनारे किनारे क्या पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है, किनारे किनारे पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पे मान लो लोग वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है, कोई भी अर्थ का ऐसा पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जहाँ चारों ओर क्या पहाड़ ही पहाड़ है, क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है, और उस पर लोग स्वाग रहते होंगे, ठीक है, जहाँ रहते होंगे वहाँ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर खुद भी होगा, है होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ऐसा थोड़ी कि पहाड़ पे प्लांट नहीं है, बिल्कुल है, पहाड़ पे भी एबायोटिक फैक्टर है, तो ये क्या है, ये माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है। मुझे एक बार बताओ, माउंटेन कोई लोग जाके बनाए कि नेचुरली बनाए, बोलो नेचुरली है, तो मुझे बताओ ये पूरा ब्लैक एरिया है ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो बोलो, ये एक नेचुरल बाउंड्री है या नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे एक बार बताओ, इस पे कोई आदमी भी रहता होगा, बिल्कुल रहता होगा, पहाड़ पे यहाँ पे कुछ प्लांट वगैरह भी उगते होंगे, ये रहते हैं यहाँ पे, प्लांट वगैरह भी उगाते होंगे, बिल्कुल उगाते होंगे, और यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर भी होगा, दैट मीन्स ये माउंटेन खुद भी एक इकोसिस्टम है, यस और नो, ये माउंटेन खुद भी एक इकोसिस्टम है, ओके। नाउ इस पहाड़, ये चारों से पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर डिफरेंट कई सारे इकोसिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल इस पहाड़ के इस साइड में इधर केवल पानी ही पानी है, ठीक है, हमने उसको बोला पॉन्ड इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम या फिर हो सकता है ओशियन एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देते हैं, चलेगा। फिर हमने बोला कि यहाँ पे मान लो कि बगल में इधर ग्रासलैंड है, जहाँ पानी खत्म होता है, फिर वहां पे मान लो कि ग्रासलैंड है, ये मान लो ग्रासलैंड है, अरे हाँ ये ग्रासलैंड है, ठीक है, ये ग्रासलैंड है, ठीक है। अब मान लो इधर की ये क्या है, ये पीला वाला से बना देते हैं, डिजर्ट है, चलो इस कलर से बना देते हैं, ये मान लो कि इधर 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 सुखाड़ है, ये डिजर्ट है, समझते चलना ध्यान से, ये मान लो इधर डिजर्ट है। अब मान लो कि इसके बाद इधर ये जंगल स्टार्ट हो जाता है, मान लो कि ये जंगल है, तो मैंने यहाँ पे कितने सारे इकोसिस्टम बना दिए, अब देखते चलो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आप समझ जाना, मैंने क्या बोला, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो सकता है पॉन्ड, हो सकता है रिवर, हो सकता है ओशियन, और मैंने कहा कि ये डिजर्ट इकोसिस्टम है। तो क्या ऐसा नेचुरल, ये जगह कहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये भारत में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ, नहीं, नेचर में है ऐसा, बहुत जगह ऐसा, ठीक है, जहाँ पहाड़ है चारों ओर से घिरा हुआ, और उस पहाड़ के अंदर, जहाँ पहले मैंने एडमिशन लिया था ना केरला में, तो मेरा यूनिवर्सिटी इसी जगह पर था, चारों ओर से पहाड़ था, वहाँ खाने पीने का बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए फिर मैंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा लिया, वो इसी तरीके का एरिया था, चारों ओर से पहाड़ था, पहाड़ के बीच में था यूनिवर्सिटी। अब जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे वो खेती वेती भी करते होंगे, लोकल लोग वहाँ पे, चावल का ज़्यादा खेती होता है, तब रोटी खाने में प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, चावल वावल का खेती चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मछली वछली भी पाल लेते हैं हम लोग, पौंड भी रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस टाइप का सनलाइट वगैरह आ ही रहा है, सही तगड़ा सनलाइट आ रहा है, ठीक है, मौसम भी बड़ा तगड़ा रहता है, बारिश वारिश भी होती है, सब कुछ था। अब देखो उस पहाड़ के अंदर, पहाड़ चारों ओर से है, उस पहाड़ पे भी लोग रहते हैं, उस पहाड़ पे भी लोग रहते हैं,
और लोग पहाड़ पे नारियल वाले का पेड़ वेड़ उगाते हैं, लोग नारियल बेचते हैं, बड़ा सस्ता मिलता है उधर। तो वो लोग पहाड़ पे भी पेड़ उगा रहे हैं, पहाड़ पे भी कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ के नीचे आ जाओ, नीचे वाले लोग चावल वाले उगा रहे हैं, फिर उधर पहाड़ के नीचे कहीं पौंड वोंड था। तो इस टाइप के कई सारे इलाके आपको मिल जाएंगे पहाड़ से चारों ओर से घिरा हुआ। अब उस नेचुरल बाउंड्री के जरिए मैनी इकोसिस्टम सराउंडेड है, देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज लैंडस्केप। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैंडस्केप। इसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप। इसको हम क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। कल राजश्री जब पूछ रही थी तो वहां पे कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं था बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर होल अर्थ हो गया। क्या होल अर्थ? होल अर्थ कह रहा हूं मैं, होल अर्थ कोई बाउंड्री से सराउंडेड है क्या? अरे नहीं है यार, होल अर्थ कहाँ सराउंडेड है? नहीं है ऐसा कोई नेचुरल बाउंड्री जो होल अर्थ को सराउंड कर रहा है, नहीं है। लेकिन अर्थ के अंदर आपको कई सारे ऐसे नेचुरल बाउंड्रीज दिखेंगे जिसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम्स हैं, और वो बाउंड्री खुद भी इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे माउंटेन। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम अक्सर क्या कहते हैं? लैंडस्केप। अब मुझे बताओ, इस लैंडस्केप के अंदर क्लाइमेट एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? अतीक बताना, लैंडस्केप के अंदर क्लाइमेट एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? अलग अलग होगा सर। कैसा होगा? अलग अलग। रीजन? क्योंकि इकोसिस्टम भी डिफरेंट है ना। अब बस मैंने कहा था इकोसिस्टम अलग है, इसका मतलब वहां का एबायोटिक फैक्टर अलग है, दैट मींस वहां का क्लाइमेट अलग है। तो यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा यार, यहाँ का क्लाइमेट अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, अलग अलग क्लाइमेट होगा। तो आप बताओ किसी भी एरिया को, भाई ये भी हो सकता है पहाड़ के अंदर बहुत बड़ा एरिया हो, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया हो, लेकिन आप इसको बायोम तो नहीं कह रहे। बताओ तो क्यों नहीं कह रहे बायोम? क्योंकि इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट। लेकिन यही पहाड़ बड़ा सा हो और अंदर में क्लाइमेट एक जैसा हो तो बोलो उसको क्या बोलोगे? राजश्री क्या बोलोगे उसको? बोलो सर बायोम। बायोम, इसका मतलब सिंगल इकोसिस्टम एंड सिंगल क्लाइमेटिक कंडीशन, सिंगल इकोसिस्टम एंड सिंगल क्लाइमेट कॉल्ड एज बायोम। ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री एंड विथ मेनी क्लाइमेटिक कंडीशन, मेनी क्लाइमेट इज कॉल्ड एज लैंडस्केप। चलो अगर आपको बात पल्ले पड़ गई है तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं आपको दो बात लिख रहा हूँ, एक लैंडस्केप के लिए, एक बायोम के लिए। आपको बताना है लैंडस्केप और बायोम में किसकी, आपको जो बताएगा मैं नाम लूंगा उसका, ठीक है? आप पहले सोच लो, ठीक है? लैंडस्केप और बायोम में किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? एक ये बात बताना है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा और किसकी कम, और किसकी साइज बड़ी होगी और किसकी साइज छोटी होगी? चलो मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ। राजश्री बोलो। सर कॉम्प्लेक्सिटी लैंडस्केप का ज्यादा होगा सर, क्योंकि वहां पे बहुत सारा इकोसिस्टम है सर। अच्छा, और सर बायोम का साइज बड़ा होगा। अच्छा रिभा क्या कहना है? लैंडस्केप का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू बायोम। और हो सकता है लैंडस्केप ये भी हो सकता है 1000 किलोमीटर के रेंज में हो सकता है। हाँ अभिषेक। सर लैंडस्केप का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा। अच्छा रीजन? सर क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सर इकोसिस्टम आ जाते हैं इस वजह से। सही जवाब है सभी का। देखो कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई डाउट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी लैंडस्केप का ज्यादा होगा और बायोम का कम होगा, क्योंकि यहाँ कई सारी इकोसिस्टम है और यहाँ पे सिंगल इकोसिस्टम है। हाँ साइज को लेके इश्यूज है, साइज को लेके क्या इश्यू सुनना? इन जनरली साइज लैंडस्केप का कम होगा और बायोम का ज्यादा होगा, लेकिन जैसा कि रिभा बोली सर हो सकता है लैंडस्केप का भी साइज बड़ा हो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि ये 1015 किलोमीटर का है और ये मान लो कि 1500 किलोमीटर का, तो साइज इसका बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो सकता क्या? ग्रुप ऑफ मेनी इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री 1500 किलोमीटर का नहीं हो सकता क्या? आराम से हो सकता है, साइज को लेके इशू है। इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर में हमने बीच में लैंडस्केप बता दिया ऐसे एरो मार के, मतलब
इस सेम लेवल पे या तो बायोम होगा या तो लैंडस्केप होगा। मैंने ऐसे नहीं लिखा है, देखना ध्यान से, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप और लैंडस्केप के बाद बायोम, ऐसा लिखना गलत होगा। पता है क्यों? साइज वाइज बायोम यहाँ आ सकता है, लैंडस्केप यहाँ आ सकता है, बोलो। इसीलिए मैंने वहां पर ऐसा नहीं लिखा। ये बातें कल रह गई थी लैंडस्केप की, आज मैंने पूरी कर दी, बोलो। तो यानी कि अब आप इकोलॉजिकल ऑर्डर जब भी सजा के लिखोगे तो आपके सामने तो ये एरो लगा के मैंने लिखा है, दिस इज द परफेक्ट, परफेक्ट है ये ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर, और बायोम और इकोसिस्टम के बीच में एरो लगा देना लैंडस्केप, यानी कि ये यहां जा सकता है, ये यहां आ सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि लैंडस्केप या बायोम इकोसिस्टम के बाद होगा, इतना पक्का है, समझ रहे हो, इतना पक्का है, और बायोस्फीयर के पहले होगा ये भी पक्का है। अब हम बात करते हैं आपसे बायोस्फीयर, याद कीजिए कल जब मैंने बायोस्फीयर बनाया था बड़ा सा, अगले पेज पे बना लें, पूरा अर्थ मैंने जब दिखाया था, लो यहीं पे दिखाते हैं, यहीं पे मान लो। अब मैं पूरा अर्थ दिखाता हूँ, मान लो कि इस बड़े से ये पूरा अर्थ है, मान लो, ठीक है। तो देखो उस अर्थ के अंदर एक लैंडस्केप भी आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। मैंने साइड में कहीं एक बड़ा सा बायोम भी बना दिया, लो। फिर मैंने साइड में एक छोटा सा सिंगल इकोसिस्टम ग्रासलैंड बना दिया, चलता है, क्यों नहीं मिलेगा। फिर मैंने इधर छोटा सा ए पॉन्ड इकोसिस्टम दिखा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? बायोम है। ये क्या है? बायोम है। ऐसे कई सारे बायोम होंगे, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, कहीं होगा कहीं कोने में पड़ा हुआ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अर्थ पे बहुत सारे हैं। ये होगा मान लो कि कोई एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें हैं, बोलो। क्या मेनी इकोसिस्टम है? बिल्कुल है, ये देखो, ये देखो। क्या मेनी बायोम है? बिल्कुल है, एक बायोम, ऐसे कई सारे बायोम होंगे। क्या लैंडस्केप भी है? बिल्कुल है, ये देखो। तो बोलो बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम हुआ कि नहीं पूरे यूनिवर्स का? तो बायोस्फीयर में सब कुछ आएगा, इकोसिस्टम भी आएगा, बायोम भी आएगा, लैंडस्केप भी आएगा, इवन वो पूरे सब मिला के एक सिंगल इकोसिस्टम कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अधिक किसकी होगी? बायोस्फीयर। इसीलिए जब हम इस एरो में ऐसे भरते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है? बस यहाँ पे थोड़ा लोचा पड़ता है, तो वो मैंने आपको अलग से बता दिया है। तो ये पूरा रहा ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक का इकोलॉजिकल ऑर्डर। आई थिंक अब आपको इकोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बोलो, एनी डाउट है इकोलॉजिकल ऑर्डर में? राजश्री? नो सर। अतीक? नो सर। विभा? नो सर। अभिषेक? नो सर। चलिए, अगर पल्ले पड़ गए तो एक सवाल का जवाब दे दो मेरा। यूनिट ऑफ लैंडस्केप रीवा बताएगी, यूनिट ऑफ लैंडस्केप आंसर। सर इकोसिस्टम बहुत सारे इसमें मिल रहे, तो इकोसिस्टम बस। अरे लैंडस्केप किस चीज से बना है? इकोसिस्टम। मैंने इकोसिस्टम कंप्राइजेस when surrounded by natural boundary, then many ecosystem comprises landscape. So the structure and functional unit of landscape is the ecosystem. Ecosystem ही तो landscape चला रहा है, clear? तो अब आप देखो, अगर आपको screenshot लेना है ले लो, notes में सारी बातें लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पेज थोड़ा ब्लर आया है, अभी आप देख लेना, दिख जाएगा आपको, ठीक है, फोटो में दिख जाएगा बढ़िया से, मतलब पीडीएफ में, ठीक है। उसके आगे अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, बढ़े आगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी।